देखो ना ये कहाँ मोमो है। अर्जेंटीना क्रोएशिया सेमीफाइनल आज तो जीते गए ना अर्जेंटीना। कितना बजे गए मैच जो 12:30 भूख लग रही क्या है आज डिनर तो मुझे आज लेकिन भात खाने मन नहीं है ना अलग कुछ खाएगा आज क्या है यार फिर मोमो खाने मन था आज मोमो ना लेकिन मोमो बर्तन नहीं है बर्तन नहीं है मैं देख के आता हूँ अभी तुम जाके देख के आते ना तब हम सामान कुछ रेडी कर देते हैं नहीं नहीं सामान अभी क्यों रेडी करेंगे पहले बर्तन और हाँ थोड़ी देर में मोमो बनाएंगे। अगर मैं YouTube वीडियोस नहीं बना रही होती तो मैं गेम खेलती हूँ और कुछ महीनों पहले मैं ये गेम डाउनलोड किया था एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं घंटों खेल सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकती हूँ और ये गेम की अच्छी बात ये है कि हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। अब तक मैंने बहुत सारे पैसे जीते, बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं क्योंकि ये गेम मैं कुछ महीनों से खेल रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है फ्रॉम ForeBet और ForeBet.com एक अच्छा और लाइसेंस साइट है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स है खेलने को लेकिन मेरा सबसे फेवरेट है एविएटर गेम। तो चलिए मैं आपको खेल कर दिखाती हूँ कैसा है ये। तो गेम लोड हो रहा है एंड वी आर रेडी टू गो। सबसे पहले मैं 1000 रुपीज बैट करती हूँ। नो लक, इस बार कुछ लग नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमें ट्राई करना चाहिए। इस बार मैं लगाती हूँ 4000 रुपए। ओके, तो प्लेन उड़ रहा है, ऊपर टेक ऑफ कर रहा है और हमारा विनिंग ग्रो कर रहा है। देखिए मेन टास्क है कि विनिंग को सही समय पे आपको कलेक्ट करना है। एंड यस, हम लोगों ने जीता है 7760 रुपीज। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ओहो, इस बार भी लकी नहीं हुआ। एक बार और खेलते हैं, आखिरी बार। कितना हम लोग जीतेंगे? 19,120 रुपीज। वाओ, इतना सारा पैसा मैंने जस्ट 30 सेकंड्स में कमाया है। मैं अपने विनिंग्स को कैश आउट कर सकती हूँ इमीडिएटली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये कवर मैंने परचेस किया है अपने विनिंग प्राइस से। इतना क्यूट है ये, देखिए, आईफोन के लिए। वो मैंने लिंक भी दिया है, अगर आप मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 700% का वेलकम बोनस, दैट इज अप टू 90,000 रुपीज। आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग पेटीएम, जी पे, फोन पे एक्सेट्रा। लेकिन ये याद रखिए कि आप जितना ज्यादा अमाउंट डालेंगे आपका वेलकम बोनस भी उतना ही ज्यादा होगा। आई होप यू गाइस विल विन अ जैकपॉट जस्ट लाइक मी। लेकिन गेम को रेस्पॉन्सिबिली खेलिए, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये है 18+ लोगों के लिए। ठीक है, हाँ राहुल आ गया। वेट वेट, आ जा। मिल गया मोमो का बर्तन। कैसे बनाएगा बिना बर्तन का? बाद में जब लाएगा तो बनाएगा। कुछ करेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा? क्या हो गया? आज मोमो के लिए क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैदा, उसके बाद ये है हेस्टी टेस्टी, ये 10 रुपए का आता है, क्या बोलते हैं इसको। ओके, सो अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। अजीनोमोटो, यस। सो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये 10 रुपए का आता है पैकेट। इससे बहुत ही फ्लेवर आता है, इसके बिना मोमो नहीं बन सकता है। जबकि ये ज़्यादा मात्रा में खाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन वंस इन अ वाइल यू कैन ट्राई गाइस। एंड मैंने लिया है चिकन, अनियंस और सॉल्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो अनियंस को श्रेड करने का मैं तरीका बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए ये। सो मैंने अभी श्रेड किया है, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ है। तो अनियंस हमें चाहिए बहुत ही स्मॉल पीसेस में। मैं इसको यहाँ से अभी काट के दिखाती हूँ आपको, ऐसा कट के। ऐसा कर लेने से ज्यादा आसानी होगा ऐसा श्रेड करने में और स्मॉल पीसेस होगा। ओके, तो अभी हमें करना है चिकन को मिंस। तो मेरे पास ये नया वाला चॉपिंग बोर्ड है और ये है पुराना वाला।
पुराना वाला है तो मैं पुराना वाला यूज करूंगी क्योंकि हमें चाकू को ऐसा मारना पड़ेगा ना, नहीं तो ये सुंदर वाला खराब हो जाएगा। इसमें सब्जी काटने के लिए रखते हैं, इसको यूज करते हैं गाइस। तो ये चिकन का पीस है, इसको बस आपके पास दाव है या चाकू उससे ऐसे मारना है, यहाँ से नहीं होगा। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है वो यूज कर सकते हैं, मैं यूज करने वाली हूँ एक बड़ा चाकू। आई एम गोइंग टू यूज दिस। चलो इसमें हम यूज करेंगे तो कंडा लगाना है, ये भी यूज करते हैं। ओ माय गॉड इतना जल्दी। क्या मेरा किचन गार्डन का स्प्रिंग अनियन इतना ही है, अभी बड़ा नहीं है अच्छे से। सॉल्ट एक चम्मच, अगर आप नमक कम खाते हैं तो हाफ टी स्पून, कम मतलब बिल्कुल कम, और नॉर्मल नमक खाते हैं तो एक चम्मच अच्छे से डालिए। उसके बाद अजीनोमोटो हाफ टी स्पून, रिफाइन ऑयल। सो ये मैंने एक आंटी को देखा था बनाते हुए, अगर आपको जूसी चाहिए तो थोड़ा सा रिफाइन ऑयल आपको डालना पड़ेगा, हाफ कप, क्योंकि यहाँ से एकदम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। नाउ द फन पार्ट, हे भगवान हेलीकॉप्टर घर के अंदर आ गया। तुम घर के अंदर घूम रहे हैं लाइक सीरियसली? हाँ कैसे तुम आ गए? सॉरी हेलीकॉप्टर आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे लग रहा है, हेली ज्यादा हो गया। सो मिक्स आप धनिया मत डालिएगा क्योंकि धनिया का स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, वो पूरा ये मोमो का टेस्ट ले लेगा, लगेगा तो धनिया चटनी खा रहा है ऐसा कुछ लगेगा। तो धनिया मत डालिएगा, धनिया इसको अच्छे से आप मैश करके साइड में रख दीजिए। अभी हम लोग बनाते हैं मोमो का बेस। इसको नीट करने के लिए मैं लूंगी गर्म पानी सो दैट ये सॉफ्ट हो हमारा जो भी डो है। गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर दें। ओके नाउ इट्स रेडी, लेट्स नीड। तो यहां से आपका बनेगा एक बाहुबली मोमो, तो आपको दो बनाना है तो ऐसा दो डालिएगा, दो बार आई मीन फोर कप्स। तो मैं और डाल रही हूँ, दो रेडी है, फिलिंग भी रेडी है। यहाँ पे मैं मोमो बनाने वाली हूँ, ये है स्टीमर, कोई सा भी प्लेट ले लीजिए, याद रखिए कि वो जो आपके पास अवेलेबल कढ़ाई है या बर्तन है उसके शेप से थोड़ा छोटा होना चाहिए सो देट अंदर आ जाए और आराम से हम लोग ढक सकते हैं। तो अभी मैं ये टूटने वाला था, आई मीन गिरने वाला था, तो इसमें मैं ये थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ सो दैट हमारा मोमो चिपके ना। थारा मोमो ना चिपके, थारा मोमो। थैंक यू द रंग, थैंक यू। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे मसाज कर देंगे बढ़िया से ऐसा। अभी यहाँ पे ये हमारा बन गया नॉन स्टिक स्टीमर। मैंने हाथों में भी तेल लगा लिया है, आ जाइए, बहुत बड़ा वाला मोमो बना सकते हैं। तो मैं इसको दो भाग में पार्ट करने वाली हूँ, यहाँ से ये ठीक रहेगा और मेरा हाथ मत कटना। मेक श्योर कि आप बीच बीच में ड्राई मैदा लगाते रहो, इसको देख के बहुत पिज्जा खाने मन हो गया, इतना बड़ा मोमो बन गया।
मैंने इसको इसलिए इतना फैलाया है क्योंकि ये अच्छे से पकना चाहिए और ये थोड़ा पतला होना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज गुड। अभी चलिए फिलिंग डालते हैं। और फिलिंग को एक के ऊपर एक मत डालिए, आप फिलिंग को फैला दीजिए सो दैट मिडिल का चिकन अच्छे से पक जाए। वाओ वाओ वाओ, वो टेस्टी होने लगा। ये एक ही काफी है एक इंसान के लिए। ये आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। अभी ऐसे भी विंटर का समय है, घर में सब फैमिली मेंबर्स के साथ या तो फ्रेंड्स के साथ आप लोग मोमो बनाने का प्लान ऐसे बना के इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर टैग करिएगा, ठीक है। अभी चलिए इसको हम लोग बंद करने का कोशिश करते हैं, पोटली की तरह ऐसा, जैसे कपड़ा को आप कुची कुची करते हैं ना वैसे ही। यहाँ से ऐसा मत करिए नहीं तो ये ऊपर का जो कवर इतना मोटा हो जाएगा। आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे करिए, ऊपर का, जस्ट ऊपर का पकड़ना है ऐसा छोटे छोटे प्यारा प्यारा। ये हमारा मोमो का बर्तन आज के लिए। पानी ज्यादा नहीं डालना है, अगर आप पानी ज्यादा डालोगे मोमो के अंदर पानी घुस जाएगा। वैसे मोमो का स्टीमर में भी आपको पानी ज्यादा नहीं डालना है। और ये आपके पास होना पड़ेगा, ये सब घर में मिलता है बर्तन, जहां गर्मा गर्म हम बर्तन रखते हैं ना वैसा। तो ये ऐसा है, ज्यादा विगरसली क्या बोलते हैं वो वर्ड, मैन हैंडल मत करना, आराम से ऐसा रखना। नहीं तो ये ऐसा ऐसा स्लिप हो जाएगा आपका मोमो, बाहुबली मोमो गया काम से। इसको अभी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे ऐसे, ठीक है, हो गया ये। और सीक्रेट टू जूसी मोमो, मैंने मुझे अभी पता लगा है सीक्रेट, सीक्रेट ये है कि आप इसको अच्छे से पकाइए देरी तक। मोमो को ना बहुत साइड से पकाना है, बोलकर उल्टा नहीं करना, अदरवाइज जूस सब निकल जाता है। सो अब इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। अभी ये गैस हाई में करके रखा है, पानी जब उबलेगा तो इसको एकदम लो करके स्लो कुक करना है। और यहाँ में थोड़ा कुछ हैवी रख दीजिए सो देट यहाँ से देखिए स्टीम निकलता है। मैं इसको पूरी तरह बंद नहीं कर सकती तो कुछ हैवी रख देती हूँ, जैसे कि ये कुकर का ढक्कन, मतलब कि जुगाड़। अभी हम बनाएंगे सूप क्योंकि मोमो इज इनकम्प्लीट विदाउट सूप। ये जो लेफ्ट ओवर जहाँ से मैंने मीट निकाला है वो पक रहा है इधर, थोड़ा और पानी डालते हैं। नमक डालिए, कम डालिए नमक क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी, रेड चिली पाउडर, क्रश्ड गार्लिक, थोड़ा सा बटर ऐड करने वाली हूँ, है ना, ब्लैक पेपर डाल दिया, बस हो गया सूप। बस ये चट्टी जैसे बच्चे तो ये बन के रेडी हो गया हमारा बाहुबली मोमो। अब मैं नॉर्मल साइज़ के मोमो बनाने वाली हूँ एंड हम लोग कंपेयर करेंगे कि बाहुबली साइज़ और नॉर्मल साइज़ में कितना डिफरेंस है। ओ, ये पक रहा है मोमो, बाबरे ये तो और बड़ा हो गया, ये पाउट कर रहे हैं सेल्फी के लिए। पानी चेक करते रहिए क्योंकि आपका पानी खत्म हो जाएगा।
जल जाएगा, पकेगा नहीं। अभी हम लोग देखने वाले हैं अर्जेंटीना और क्रोएशिया का मैच। 11:30 बज गए हैं तो ये हमारा लेट डिनर होने वाला है, सुपर लेट। ये बाहुबली मोमो, खोल के देखो तो तेरे रिएक्शन देखा जाता है। बाहुबली मने? ये कहाँ मोमो है? ये धोमो है। ये मोमो नहीं, आप लोग डर जाएगा। ये होगा ना हम लोग का रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट में होगा बाहुबली मोमो चैलेंज होगा। एक मोमो कितना लगेगा ये? 500। 500 ज्यादा हो जाएगा, मर जाएगा आदमी ना तुम। चलो खाएगा। वाह खाएगा ना, ये तो मेरे लिए ना बस। हाँ हाँ, वैसे यहाँ पे मैंने मोमो का चटनी बनाया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जस्ट ग्रीन चिली है जिसको मैंने बॉईल करके क्रश किया है, और यहाँ पे मैंने जो सूप है उसका पानी मिक्स किया है। देखिए बहुत ही टेस्टी होता है डिप करके खाने के लिए। इतना बड़ा मोमो, वाह गरम मोमो नहीं ये धोमो है, ये सूप है। तो ये सूप, मैं पहले तो सूप को चखेगा। चख दे मिर्ची। वाह इतना बढ़िया है सूप। क्या कभी सोच भी सकते हैं कि विदाउट स्टीमर हम लोग इतना मोमो बनाएंगे? इसी से हम चटनी भी निकालेंगे। निकालो, हमारा तो हम दोनों ही खाएगा, और कौन खाएगा? ओके राहुल, ये तो मोमो का समंदर है अंदर में होना। अंदर में समंदर है और सूप ही क्या। इधर से हंस लो। इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। प्रॉमिस प्रॉमिस है ना। ना जूसी लग रहा है तुम्हारा खाने वाला देख के। ना जूसी है। हाँ सूप सब डाल लूँ क्या अंदर में? चलो देखते हैं हम लोग का माल कैसे है। देखो ना, पूरा हॉट एंड स्टीमी। जूसी है ना? हाँ बहुत जूसी है ना। चटनी कैसा लग रहा है? स्पाइसी लग रहा है। बढ़िया, अंदर स्पाइसी नहीं है। कहाँ पहुंच गया अभी? ठंडा जगह में मोमो नहीं बेचते हैं क्या? डोंट फिकर, टेक नो टेंशन व्हेन क्या करेगा तुम? छूल का बनाएगा क्या? अरे रुको ना, सुपर हीरो का फीलिंग आने दो। तुम हवा करो, ऑफ करो, ऑफ करो। बाद में चलाएगा हम लोग जब हम इसको खोलेगा तब। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? डोंट फिगर व्हेन। क्या हो गया? कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। डोंट फिकर मैन। रुको ना, पेन नजर आ रहा था। डोंट फिकर मैन, हू इज हियर। किसे बनाएगा ना? अभी मैं मोमो का आइडिया ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ आज मिलेगा, पर हम भूल रहे थे। हाँ मोमो का आइडिया मिल गया, मिल गया। पंक